Mr. Marty is the boss. He is the most popular world leader for a reason. I think you are an inspiration for the rest of the world. The most loved one of all around. I am a fan of Modi, so his vision for digital India was ahead of its time. Main Narendra Damodar Das Modi ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत की पहचान आज दुनिया भर में लगातार बढ़ रही है। वहीं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज इंडियंस के द्वारा ही कंट्रोल की जा रही है और लगातार इंडिया में नए नए स्टार्टअप्स भी खुल रहे हैं और स्पोर्ट्स की भी फील्ड में आज इंडियंस किसी से कम नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने तो यहां तक कह दिया कि आने वाले 15 से 20 साल भारत का अमृत काल होगा। लेकिन वेट, वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये सब बातें तो पहले पहलू की थी, लेकिन अभी दूसरा पहलू बाकी है। हमारे भारत का दूसरा पहलू पॉलिटिक्स है, जो कि आज भी पुराने विचारधारा के मुद्दों में फंसा पड़ा है। 33 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर आटा, 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। यहाँ की पॉलिटिक्स आज भी धर्म और जात पात के दम पर ही लड़ी जाती है। यहाँ के कुछ लोगों की इतनी छोटी मानसिकता है कि वे अपने निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना वोट किसी नेता को देते हैं। यही कारण है कि आज भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ रहा है। आज इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% तक आ चुका है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह आंकड़ा फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है। यहाँ आए दिन धर्म के नाम पर विवाद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, जिसका डायरेक्ट फायदा पॉलिटिशियन नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज उठाती ही हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स को समझेंगे और इसमें क्या सुधार होनी चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे और लास्ट में यह जानेंगे कि 2024 में अगला पीएम कौन हो सकता है। भारत को आजादी मिलने वाली थी, लेकिन उसी समय हमारे देश के लीडर के बीच बहुत सी कंट्रोवर्सीज चल रही थी। उस समय हमारे देश में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, लेकिन इसके अलावा एक और संगठन थी जो कि मुस्लिम लीग की थी। इसके लीडर मोहम्मद अली जिन्ना थे। एक तरफ गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे तो दूसरी तरफ मुस्लिम्स जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती थी। इन्हीं सब कारणों से माउंटबेटन भारत को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, जिनमें एक हिस्सा पाकिस्तान का और दूसरा भारत का होता है। गांधी जी के कहने पर बहुत से मुस्लिम्स भारत में ही रुक जाते हैं और यही कारण है कि आज तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज धर्म के नाम पर वोट छापने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसके बाद गांधी जी एक और बड़ा फैसला लेते हैं। भारत की आजादी के बाद कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए एक इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। इस इलेक्शन में कांग्रेस के कई नामी लीडर का नाम शामिल होता है। इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलती है और उसके बाद आचार्य कृपलानी को मिलती है। लेकिन गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी अपना नाम वापस ले लेते हैं और जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तब से देखा जाए तो आजादी के बाद भारत का ग्रोथ तेजी से होना चाहिए था, लेकिन उसका 1% भी नहीं हो रहा था। भारत में सिंगल नेशनल पार्टी होने के कारण लगातार नेपोटिज्म देखने को मिल रहा था, जैसे मानो कोई फैमिली बिजनेस चल रही हो। पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी, फिर उनका बेटा राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी। लेकिन आज तक हमें यह नहीं समझ में आया कि 54 सालों से ज्यादा कांग्रेस एज अ रूलिंग पार्टी रहने के बाद भी भारत में वह विकास न कर पाए जो आज हम कुछ सालों के अंदर ही देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आजादी के बाद भारत के डेवलपमेंट रेट को देखने के बाद भी जनता ने किस सोच के साथ कांग्रेस को वोट दिया होगा, कमेंट्स में जरूर बताना। तो इंडियन पॉलिटिक्स लगातार नेपोटिज्म से गुजर रही थी, जिसके कारण ना ही इंडिया को कोई स्ट्रांग लीडर मिल पा रहा था और ना ही इंडिया का कोई ग्रोथ हो पा रहा था। इस समय सेकेंड पार्टी का एक्शन में आना बहुत जरूरी था, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक से ज्यादा नेशनल पार्टी होना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ऐसा ना हो तो रूलिंग पार्टी जनता की एक बात भी नहीं सुनेगी। साल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेसिडेंसी में भारतीय जनता पार्टी को एस्टेब्लिश किया जाता है। तब बीजेपी सिर्फ 2 सीट लोकसभा में जीत पाती है, लेकिन आगे चलकर 1996 में बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है और अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठते हैं। बनेगी, बिगड़ेंगी, नई पार्टियां जन्मेंगी, सरकारें कायम होंगी, बदलेंगी, मगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ भारत अपनी सनातन संस्कृति के साथ आधुनिकता का वरण करने के लिए अमरकाल तक
इस तीर्थ यात्रा में चलता रहेगा। लगातार दो बार लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जीतती है और दोनों बार अटल बिहारी वाजपेयी ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन 2004 में फिर कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन जीत जाती है और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तब से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ही प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। वोट शेयर बढ़ जाने के कारण डेवलपमेंट की बात तो होने लगती है, लेकिन अब भी डेवलपमेंट जिस रेट से होनी चाहिए थी उस रेट से नहीं हो रही थी। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से लोकसभा इलेक्शन जीत जाती है और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और बैक टू बैक दो बार नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। इतनी पॉलिटिक्स के उलटफेर के बाद भी आज तक उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरान ग्लोबली इंडिया का रिस्पेक्ट बढ़ा है, लेकिन आज भी एजुकेशन, क्राइम और टैक्स का बुरा हाल है। एजुकेशन के नाम पे गवर्नमेंट स्कूल तो है, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। वही जिन्हें ढंग से लिखना तो दूर बोलने तक नहीं आता, वे ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर बैठे हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं? हम अभी नर्वस हो गए, हम कुछ नहीं बता सकते, याद नहीं आ रहा है भाई। और यहाँ धर्म जात पात के नाम पर क्राइम का भी वही हाल है। यहाँ टैक्स रेट भी बहुत हाई है। वर्ल्ड को लीड करने का मतलब है कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना, जो डायरेक्टली क्वालिटी एजुकेशन, टैक्स रेट कम करने और एंटी क्राइम को बूस्ट करने पर डिपेंड करता है। लेकिन मेन बात तो यह है कि 2024 में कौन सी पार्टी लोकसभा इलेक्शन जीत सकती है। रिकॉर्ड को देखें तो यह सामने आता है कि कांग्रेस इतने सालों में जो काम नहीं कर पाई उससे कई गुना ज्यादा बीजेपी इन 10 सालों में कर चुकी है। जब से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं तब से कई सोशल स्कीम्स लाई गई, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेड इन इंडिया और भी बहुत सी स्कीम्स। इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत कई बड़ी बड़ी डील कर चुका है, जैसे राफेल को इंडियन आर्मी में जोड़ना और यूएस के द्वारा कटिंग एज जेट इंजन टेक्नोलॉजी को भी भारत में लाया गया। तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। हालांकि बीजेपी सभी एस्पेक्ट्स पर ध्यान दे रही है, काफी तेजी से विकास हुआ है और हो रहा है। वही रिकॉर्ड को देखे तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी अकेले 543 सीटों में से 282 सीटों पर विजयी प्राप्त करती है, जो कि वोट शेयर का 31% है। वही 2019 में बीजेपी 303 सीटें जीतती है, जो कि टोटल वोट शेयर का 37% है। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 6% इंक्रीज कर जाता है और दोनों लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में नजर आती है। वही कांग्रेस 2019 में केवल 52 सीटों पर ही सिमट जाती है। वैसे बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया है, कहा यह जा रहा है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी अकेले 400 प्लस सीटों पर जीत हासिल करेगी और सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाने के लिए मात्र 272 सीट ही चाहिए। देखा जाए तो बाकी पार्टीज के मुकाबले बीजेपी ने काफी ज्यादा काम किया है और यही कारण है कि अभी इंडिया में बीजेपी पूरा डोमिनेट कर रही है। इससे टक्कर लेने वाला अभी ऐसा कोई पार्टी नहीं है। तो इस बार मैं आप सबसे बस एक बात कहना चाहती हूँ कि आप अपना वोट धर्म, जात पात या पर्सनल बेनिफिट के आधार पर ना दें। आप पहले देखें कि सही में विकास हुआ है या नहीं और अपना वोट उसी सरकार को दें जो काबिल हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंटिल देन कीप स्प्रेडिंग नॉलेज। धन्यवाद।